हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डिप टैग के बारे में। डिप टैग क्या होता है और कैसे यूज कर सकते हैं इसको, सो देखते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए वीएस कोड में और ये कुछ पॉइंट है, आप पढ़ सकते हैं। तो डिप टैग बेसिकली जब हम कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं तो हमें क्या होता है कि एक अच्छी तरीके से वेबसाइट डेवलप करनी होती है कि हम कोई एक ब्लॉक में पर्टिकुलर सेक्शन को डिवाइड कर दें और दूसरे सेक्शन को दूसरे में डिवाइड कर दें। तो ये क्या करता है, डिव टैग क्या करता है, एक ब्लॉक क्रिएट कर देता है, ब्लॉक लेवल वाइज सेक्शन। तो जिससे कि तुम उस पर्टिकुलर ब्लॉक में काम कर सको। जैसे हेडर हो गया तुम्हारा, तो हेडर में हमने डिव लगा दिया, तो वो क्या होगा कि हम उस पर्टिकुलर हेडर में काम कर सकते हैं और उसको एफिशिएंट वे में बना सकते हैं। ओके, जिस तरीके से हम फंक्शन यूज करते हैं कोडिंग में कि उसी तरीके से हम यहाँ पे डिव यूज करते हैं। फंक्शन का मतलब क्या है, मतलब कि जब हम फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि कोड हमारा क्या रहे, नीट एंड क्लीन कोड रहे और मॉडलाइजेशन हम कर सकें। मॉडलाइजेशन सिंपल मतलब है कि हम कोड को ब्रेक कर सकें सिंपल सिंपल पार्ट में और उसमें जब हमें जहाँ जैसी जरूरत हो उसको यूज कर सकें। तो इसी तरीके से इसमें भी है कि डिव हम जब यूज करेंगे तो उस पर्टिकुलर सेक्शन में हम काम करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें डिबगिंग में दिक्कत नहीं होगी, इजीली हम डिबग कर सकते हैं कोड को कि हम डिव में हमने कोई क्लास दे दी तो हमें पता चल जाएगा कि इस वाले सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम पर्टिकुलर सेक्शन में काम करेंगे, ना कि पूरी वेबसाइट में काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल जाते हैं और यहाँ पे बेसिक कोड आ गया तुम्हारा HTML का। इसके बाद तुमको क्या करना है, डिव टैग लेना है। ओके, यहाँ पे लेना है डिव और इसके अंदर कोई सपोज दैट हमको होम लेना है। होम ले लिया हमने और यहाँ पे कुछ एक और ले लो, कुछ अबाउट ले लो, अबाउट दी कोर्सेस। यहाँ पे ले लो कॉन्टेक्ट अस। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली जो हम डिव का यूज करते हैं तो ये हॉरिजेंटली देता है। अगर तुमको वर्टिकुलर यूज करना है तो हमें सीसेस का यूज करना होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको। तो इस तरीके से हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते हैं। तो ये देखो, ये हमारा हॉरिजेंटल आ गया, एक लाइन ये है, एक हॉरिजेंटल ये है, एक ये है। तो हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे तो हमें राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट में जाना है और यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ये देखो ये पूरा पूरा हॉरिजेंटल आ रहा है। इसी तरीके से हम इसमें देख लेंगे और इस तरीके से हम ओके, तो ये पूरा जो है ये एक डिप के अंदर है तीनों। ओके, अगर हमें होम इस तरीके से लाना है, होम आए देन ये अबाउट दी कोर्सेज आए और कॉन्टेक्ट आए, तो हमें सीसेस का यूज करना होगा। अब हम देखते हैं कि हम जिस तरीके से वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम क्लास एंड आईडी का यूज करते हैं जिससे कि हम वेबसाइट को अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें। ओके, तो हम देखते हैं कि डेव कोई हमने लिया, नया डेव ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे सपोज दैट हमने कोई क्लास ले ली। ओके, क्लास ले लो पैराग्राफ। ओके, पैराग्राफ लिया, यहाँ पे हमने कोई पैराग्राफ ले लो, यहाँ पे हम गए कुछ पैराग्राफ सर्च कर लेते हैं, पैराग्राफ ये हम सारा उठा लेते हैं कुछ। ओके, और यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ओके, ये हमने यूज किया। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा पैराग्राफ है ये आ चुका है। ओके, ये सारा आ गया। अब हमको ये चेक करना है कि ये ब्लॉक में है या नहीं है। ओके, और इसमें हम कुछ करना चाहते हैं, सपोज दैट हम इसको बॉर्डर के अंदर करना चाहते हैं, इसमें कलर देना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं। ओके, पर्टिकुलर सेक्शन हम काम करना चाहते हैं इस वाले सेक्शन में और हम चाहते हैं कि इस वाले सेक्शन में काम कर सके। तो सपोज दैट कि हमको ये पैराग्राफ में काम करना है तो हम क्या करें, हम सीएसएस का इस्तेमाल करेंगे, एक्सटर्नल सीएसएस का। तुम चाहे तो इंटरनल भी यूज कर सकते हो, इंटरनल और इनलाइन सीएसएस भी यूज कर सकते हो, बट
जो जब तुम कंपनी में काम कर रहे होते हो तुम एक्सटर्नल सीएसएस का यूज कर रहे होते हो, क्योंकि उसमें डिबग करने में आसानी होती है। तो तुम्हें कोशिश करना है कि जो भी सीएसएस का यूज करना है एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करना है। ओके, जब भी करना है तो यहाँ पे कुछ सीएसएस की कोई फाइल ले लो, स्टाइल डॉट सीएसएस। सबसे पहले तुमको क्या करना है कि यहाँ पे स्टार लेना है और यहाँ पे मार्जिन मार्जिन 0 कर देना है, एंड पैडिंग पैडिंग 0 कर देना है। ओके, तुमको मार्जिन 0 कर देना है, पैडिंग 0 कर देना। अब सबसे पहले तो हमको यहाँ पे क्या करना है, अभी तो उस स्टाइल जो शीर्षक हमने फाइल बनाई है उसको कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे लिंक और उसको एंटर कर देते हैं। तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्या कर देना है तुमको, जो फाइल बनाई है हमने स्टाइल डॉट सी एस एस, यहाँ पे इसको लिख देना है, इसको कनेक्ट कर लेना है। ओके, स्टाइल डॉट सी एस एस आ गया, ये फाइल अब तुम्हारी कनेक्ट हो चुकी है स्टाइल डॉट सी एस एस। अब तुम जो भी इसमें स्टाइल करोगे, जो भी सी एस एस लिखोगे, वो इसमें इफेक्ट करेगी। ओके, तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्शन में, इस वाले पैराग्राफ में ये हमारी सीसेस काम करे, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे हमने लिया है क्लास लिया है। ओके, क्लास लेते हैं तो हम सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हमको डॉट लेना पड़ता है। ओके, और डॉट लेने के बाद क्लास का नाम लिया था हमने पैराग्राफ, तो हमने पैराग्राफ ले लिया। ओके, तुम्हें वही लेना है जो तुमने क्लास नेम लिया, यहाँ पे ये पैराग्राफ लिया हमने, तो हमने पैराग्राफ यहाँ पे ले लिया। ओके, एंटर किया। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने यहाँ पे जो पैराग्राफ आ रहा है इसको हम चाहते हैं कि हम कोई कलर दे दें, कलर देते हैं बैकग्राउंड कलर दे दें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर आ गया तुम्हारा। ओके, ब्लैक है, तुम चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो, और बैकग्राउंड कलर तुम्हें सेव कर देना है। और अब देखना है तुमको कि ये बैकग्राउंड कलर हुआ कि नहीं। ये देखो बैकग्राउंड कलर हो चुका है, बट ये इसमें दिख नहीं रहा है कि ये जो तुम्हारा पैराग्राफ लिखा हुआ है ये कुछ हाइड हो गया है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको कुछ दे देते हैं, यहाँ पे कलर कुछ दे देते हैं, कलर कलर दे देते हैं रेड। ओके, सेव करते हैं। अब तुम देखोगे तो ये तुम्हारा कलर, देखो इसमें जो भी तुम्हारा पैराग्राफ है उसमें तुम्हारा कलर आ चुका है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस सेक्शन में काम कर रहे हैं, इस वाले जो ब्लॉक है उसमें काम कर रहे हैं। ओके, तो हम पर्टिकुलर सेक्शन में काम कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए। तो हम उसी तरीके से हम डिप क्लास बनाएंगे और उसमें एक एक सेक्शन में काम करेंगे, ताकि हम इफिशेंट वे में और अच्छे तरीके से वेबसाइट को डेवलप कर सकें। ऑलमोस्ट तुम देखोगे कि हर वेबसाइट में डिफ का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यही है डिफ, और इस तरीके से हम और इसको एक्सप्लोर करेंगे जब हम सीएसएस पढ़ेंगे, वहाँ पे हम क्लास यूज करेंगे। और आईडी, अगर तुम यहाँ पे आईडी यूज कर रहे हो तो आईडी के सिंपल मतलब है कि तुम एक बार आईडी का यूज कर सकते हो। तो अब तुमने साथ यहाँ पे एक तुमने यहाँ पे अभी यदि तुमने आईडी यूज कर ली, तो तुम्हें क्या करना है, सीएसएस में जाके यहाँ पे हैज यूज करना, हैज एक्सेस करने के लिए उसको। ओके, ये हम देखेंगे जब सीएसएस हम पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा डिव है, तो बेसिकली डिवीजन टैग है ये, और ये ब्लॉक एक ब्लॉक के रूप में डिवाइड करता है पर्टिकुलर सेक्शन को, जिससे कि हम उसमें काम कर सकें। ओके, सो आई थिंक आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।